हेलो एवरीवन टुडे वी विल डिस्कस सम न्यू वर्ड्स लेट स्टार्ट माय फर्स्ट वर्ड इज टेनेंट जिसका मतलब है सुली जिसको हम हिंदी में कहते हैं कलंकित करना माय नेक्स्ट वर्ड इज स्टबर्न जिसका मतलब है हेडस्ट्रोंग जिसको हम हिंदी में कहते हैं जिद्दी My next word is submissive, जिसका मतलब है सॉफ्ट जिसको हम हिंदी में कहते हैं विनम्र। नेक्स्ट वर्ड इज grumble, grumble का मतलब होता है complaint, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बड़बड़ाना नेक्स्ट वर्ड इज daft, जिसको मतलब है foolish, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मंद बुद्धि नेक्स्ट वर्ड इज का मतलब होता है डन अवे विद जिसको हम हिंदी में कहते हैं समाप्त करना माई नेक्स्ट वर्ड इज सरली सरली का मतलब होता है अनफ्रेंडली जिसको हम कह, हिंदी में कहते हैं बदमिजाज माई नेक्स्ट वर्ड इज डेयर्स जिसका मतलब है अ लो प्लेटफॉर्म जिसको हम हिंदी में कहते हैं मंच नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीन ग्रीन का मतलब होता है स्माइल विद द टीथ शोइंग जिसको हम कहते हैं मुस्कान नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैम्बलिंग ट्रैम्बलिंग का मतलब होता है टू शेक मतलब कांपना नेक्स्ट वर्ड इज यूनैनिमस यूनिमस का मतलब होता है एग्री बाय एवरीवन जिसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वसहमति नेक्स्ट वर्ड इज साउंटर साउंटर का मतलब होता है टेक ए वॉक मतलब टहलना नेक्स्ट वर्ड इज पजल्ट पजल का मतलब होता है नॉटि जिसको हम हिंदी में कहते हैं उलझा देना नेक्स्ट वर्ड इज पीरल जिसका मतलब है रिस्क जिसको हम हिंदी में कहते हैं जोखिम नेक्स्ट वर्ड इज सोलनिंग जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्गली या क्रोध से नेक्स्ट इज क्लम्पसी क्लम्पसी का मतलब होता है आर्टलेस या जिसको हम कहते हैं अनाड़ी नेक्स्ट वर्ड इज विगर विगर का मतलब होता है पावर या ताकत नेक्स्ट इज नोसेंस इसका मतलब होता है ऑब्स्टैकल मतलब रुकावट नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पाइस डिस्पाइस का मतलब होता है हेट जहाँ हम इसको हिंदी में कह सकते हैं नफरत करना थैंक यू